इस वक्त की बड़ी खबर बॉलीवुड जगत से सामने आ रही है। बता दें ऑस्कर 2023 में कश्मीर फाइल्स की एंट्री हो गई है। अनुपम खेर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें 11 मार्च 2022 को फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी थी। अनुपम खेर ने इसमें कश्मीरी पंडित का रोल निभाया था। बता दें साल 2022 की सबसे चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जो रिलीज होने के बाद से ही काफी दिनों तक विवादों में घिरी रही। हालांकि फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चीजें सामने आ रही थी, क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा फैंस का प्यार भी इस फिल्म को मिला। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म की काफी प्रशंसा की। आपको बता दें फिल्म जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित थी, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था। वहीं इस फिल्म में मिथुन दा और अनुपम खेर समेत कई सुपरस्टार्स ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों की आंखें नम कर दी थी। वहीं फिल्म की अपार सफलता के बाद अब 2023 में भी इस फिल्म को लेकर गुड न्यूज सामने आ रही है कि फिल्म 2023 के ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। ये भारत से ऑस्कर्स में सिलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है। इतना ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स के एक्टर्स में शामिल मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अनुपम खेर सभी बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। वहीं ऑस्कर अवार्ड के लिए द कश्मीर फाइल्स के नॉमिनेशन को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि बिग अनाउंसमेंट, द कश्मीर फाइल्स हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर 2023 in the list of the academy. It's one of the 5 film from India. I wish all of them very best. A great year for Indian cinema. वहीं अन्य यूजर इस फिल्म को लेकर लिख रहे हैं एक प्रोपेगेंडा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। वहीं इसी के साथ मनोज जोशी ने भी इस फिल्म पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल द एक्टर्स एंड द टीम, जय हो। इसी के साथ आपको बता दें एक अन्य यूजर इस फिल्म को लेकर लिख रहे हैं ऑस्कर मिले ना मिले, इंडियन सिनेमा में द कश्मीर फाइल्स ने एक उच्च स्तर प्राप्त किया, जो मेरे लिए सिनेमा की दृष्टि से जिस प्रकार से टीवी में रामानंद सागर जी की रामायण और बीआर चोपड़ा जी की महाभारत ने भूमिका निभाई है, ऑस्कर आप भूल जाएं, भारतीयों के हृदय पुरस्कार आपको प्राप्त हैं। वहीं इसी के साथ आपको बता दें जहां कई यूजर्स इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड में शामिल होने को लेकर इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।